रजनीकांत की काला कर रही है बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई। नहीं पड़ी है बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार धीमी। जानिए क्या है रजनीकांत स्टारर फिल्म काला की 16 डेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में आपका बेहद स्वागत है। ऐसी खबरें लगातार अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। अपने एक्शन और पावर बैक की वजह से चर्चा में रही फिल्म काला रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर बेहद धमाल मचा रही है। इस फिल्म में रजनीकांत एक गैंगस्टर की भूमिका में हैं और नाना पाटेकर हैं फिल्म के विलन। डायरेक्टर पी ए रंजीत की फिल्म काला में रजनीकांत, नाना पाटेकर और एक्ट्रेस हुमा कुरैशी लीड रोल में हैं। फिल्म की कहानी की पृष्ठभूमि मुंबई के धारावी इलाके पर रखी गई है, जहां के लोग रजनीकांत को अपना नेता मानते हैं और नाना पाटेकर उस एरिया पर कब्जा करना चाहता है। वहीं से शुरू होती है इन दोनों की जंग। अब यदि इसी के साथ इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो नतीजे वाकई चौंका देने वाले हैं, क्योंकि अपने रिलीज के 16 दिनों में भी इस फिल्म ने तकरीबन 186 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। तो चलिए इसी के साथ दीजिए इन खबरों से इजाजत, फिर मिलेंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।